इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। औदारिक नाम कर्म के कारण से औदारिक शरीर का निर्माण होता है और औदारिक शरीर में बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं कि जहां से हम अपने कर्मन शरीर और तेजस शरीर के पास पहुंच सकते हैं कि ये शरीर कर्मन शरीर का प्रोडक्शन है। इस शरीर से रास्ता बनता है कर्मन शरीर और तेजस शरीर के पास जाने का। जिस दरवाजे से बाहर आते हैं उसी दरवाजे से अंदर भी जा सकते हैं। जैसे अंदर से बाहर सारी ऊर्जाएं आती है वैसे बाहर से भी हम अंदर जा सकते हैं, इसलिए प्रयोग इस उद्देश्य कराए गए हैं, एक प्रयोजन के साथ कराए गए, बिना प्रयोजन बताए प्रयोजन से कराए गए। किस पॉइंट को टच किया है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ये नाम आपके लिए परिचित होंगे कि उस पॉइंट पर दवाई आए, उस पॉइंट पर दवाई आए तो उस प्रकार की बीमारी में राहत मिल जाती है। क्यों मिल जाती है कि जो कार्बन शरीर का फ्लो है, जो तेजस शरीर का फ्लो है, उसके फिटिंग के जैसे स्विच होते हैं ना, आपके इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं बोर्ड, वैसे बॉडी के स्विच बोर्ड है। अंदर का जो करंट चलता है उसके स्विच बोर्ड है कि वहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और वहां से ऑन ऑफ करने की ये पद्धतियां हैं, उस पद्धति के ये प्रयोग है। इसलिए कहां आप हाथ लगाते हैं और किस मुद्रा में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, बहुत प्राचीनतम एक अपना आगम है जिसका नाम है अंग विज्ञान, जिसका अब तक हिंदी अनुवाद हो नहीं पाया, एक शास्त्र है। उस अंग विज्ञान में व्यक्ति कैसा बैठा है, उसका हाथ कहां पर है, उसका पांव कहां पर है, उसकी गर्दन कैसी है, उसकी आंख, उसको क्या लोग देख करके उसके पूरे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का सारा लेखा जोखा बता देता है और उसी के आधार पर बताता है कि कहां क्या चेंज करने से कहां क्या चेंज होगा। कि ये अंग विद्या है और इसी को आपने आज टोटली समझने का प्रयास करना है कि दूसरे के शरीर की विद्या का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह हम जान पाए न जान पाए, लेकिन अपने अंदर में बहने वाला शक्ति का प्रवाह हमें पता होना चाहिए कि कहां से प्रवाह जा रहा है, ऊर्जा कहां अवरुद्ध हो रही है, कहां ऊर्जा ओवरफ्लो होने के कारण से गुस्सा आ रहा है, कहां ऊर्जा ओवरफ्लो होने के कारण से घृणा जग रही है, कहां भय जग रहा है। कि इन सारी संवेदनाओं के लिए, इन सारी आवेशों के लिए, सारी अनुभूतियों के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, बिना शक्ति के होगा नहीं। तो शक्ति मूल में वो शक्ति का स्रोत कहां से आता है, तो कर्मन शरीर से आता है। लेकिन वो कर्मन शरीर का शक्ति का जो प्रवाह है वो बाहर आएगा कहां से, तेजस जोड़ से आएगा। अपने को अपने बॉडी के वो स्विच जानने, मैंने कल एक सुबह के सेशन में आपके वहां पर कहा था कि आप माथे को हाथ लगा करके बैठे कैसी चिंतन की भावदशा शुरू हो जाती है, आप दो घुटनों के बीच में माथा रख करके बैठ गए, कैसा एक भाव चेंज हो जाता है,
क्यों चेंज हो गया वो, क्या कारण? कि जैसे आपके हाथ वहां पर गए या बॉडी का टच होगा उस वहां हो गया, कि वहां का स्विच ऑन ऑफ हो गया, और स्विच ऑन ऑफ हो गया तो ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग चेंज हो गया। और यदि आप कितने ही चिंता में रहो, कितने ही टेंशन में रहो, और यदि आपने खुले हाथ कर दिए, आप ऐसे नहीं बैठे, सिकुड़ करके नहीं बैठे, ओपन हो गए, बिल्कुल हाथ पांव सारे ओपन कर दिए, तो उसमें आप कितनी देर तक चिंता कर पाओगे? कभी प्रयोग किया नहीं होगा, लेकिन करके देखना है। क्योंकि चिंता के लिए एक नेरो कंजेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी होता है। इसलिए देख लेना, हमेशा टेंशन में बैठने वाले ऐसे हाथ करके बैठेंगे, सीधे हाथ चले जाते हैं उनके, और पता चल जाता कि अंदर में टेंशन का प्रभाव चल रहा है। कुछ लोग सोते समय पांव की कैंची करके सोते हैं, पता चल जाता है कि उसका प्रवाह कैसा चल रहा है, क्रॉस चल रहा है बॉडी का प्रवाह। इस सारी शरीर की मुद्राओं से पता चलता है कि अंदर का कौन सा फ्लो चालू हो सकता है, कौन सा फ्लो बंद हो सकता है। जितने योगासन है उस योगासन का मीनिंग ही वो है कि वहां पर का उस पॉइंट का, वहां का शक्ति का प्रवाह कहां चालू करना है, कहां बंद करना है, और वो वहां से वो अंदर की शक्ति का प्रवाह जैसे ही चेंज हो जाता है तो पूरी स्थिति यहां चेंज होती है। तो आज आपने पूरे शरीर की, कल की बाकी सर बात हो गई आपके साथ, पलेवना हो गया, प्रमार्जन हो गया, आज एक ही विषय आपके साथ चलेगा कि कल बार बार आप पूछ रहे थे ना कि हमने पलेवना करके बैठ के, हमें प्रमार्जन करके बैठ गए, और फिर आकर हमने किसी ने टच कर दिया है तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, उसको ऑब्जर्व करें। आप स्वयं टच करके देखें कि अपने बॉडी के किस पॉइंट पर टच करने के बाद अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे अपने भाव चेंज हो जाते हैं। उन भावों को ही काया के आधार पर अंदर में चलने वाला भावों का चक्र पकड़ना बहुत आसान है। सीधे भावों को कैच करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन काया के माध्यम से भाव को पकड़ना आसान जाता है। ओगेश्वरे पौर्षियम पत्कामि चौह्यम प्यहरम स्वासनम पानम खयमम सयमम सहस्रगरेण महत्तागरेण सुभसमयम वत्यागरेण ओसरे ओसरे ओसरे। 15 उपास के ऊपर पौर्षी के पचकान लेने वाले को चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली मंगलम, चदानुगुत्तम, अरिहंतानुगुत्तम, सिद्धानुगुत्तम, साहूलुगुत्तम, केवली पन्नतो धम्मोलुगुत्तम, चत्तारी सनम पवज्जामि, अरिहंते सनम पवज्जामि, सिद्धे सनम पवज्जामि, साहू सनम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम सनम पवज्जामि, चार मंगल चारुतम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। आज का प्रयोग चलेगा अपना खेल संचाली, सुहु मिहिम खेल संचाली। काय स्वर्ग की 3 चरण प्राथमिक है, अंग संचाली हिम, खेल संचाली हिम, दिट्ठी संचाली, ये प्राइमरी प्रयोग है। उसके बाद के अगले प्रयोग आते हैं ठानेनम मोनेनम झानेनम। आज प्रयोग से अपन शुरू करेंगे खेल संचाली हिम, और खेल संचालन का प्रयोग जो है कि अपने जो ब्रीदिंग का फ्लो है, लंग्स है, श्वसन संस्था है, वहां से अपना वचन युग का काम चलता है। वहां का संचालन देखना, वहां के सूक्ष्म स्पंदन को देखना है, वहां कोई गहरा स्पंदन नहीं, केवल हल्के जो स्पंदन वहां चल रहे हैं,
कर्मा शिविर के स्टूडेंट बैठे ना, कल मैं आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करा चुका हूँ ना, कागज पेन का उपयोग कब करना, जब मैं नहीं रहूं तब करना है। खेल संचालियम के प्रयोग का पहले साइंस बता देता हूं, फिलॉसफी बता देता हूं, और फिर उसके अपन प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेते हैं। पर कि अपने शरीर में जो कफ बनता है, बलगम बनता है, खेले ने बलगम, उस बलगम के कारण से अपने शरीर में जड़ता आती है, मुड़ता आती है, मोहनीय कर्म का प्राबल्य बनता है। चिकनाई की आवश्यकता है, स्निग्धता की आवश्यकता है। बलगम यानी क्या है, स्नेह ही है, स्निग्धता ही है। लेकिन जैसे वो और हो जाती है, अभयदेव सूरी एक आचार्य होकर गए हमारे, और उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा बहुत गजब की थी। जिस विषय पर वो बात शुरू करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उससे भावित, प्रभावित होकर के उस धारा में बह ही जाता था। उन्होंने वीर रस की बात करी तो कायर से कायर आदमी में भी शौर्य का जागरण हो ही जाता था, जिस भाव का उन्होंने बोला है। इतनी प्रतिभा गजब की थी, इतनी प्रतिभा गजब की थी कि उनके गुरु को एक चिंतन करना पड़ा, इसकी ऐसी प्रतिभा रही। अनिश्चय के श्रृंगार रस का वर्णन शुरू करने कर दिया कभी तो परिणाम क्या आएंगे। तो उसकी इस प्रतिभा पर बुद्धि मानदे लाने के लिए लंबे समय तक उनको दूध और गुड़ खिलाया गया है, दूध नहीं, दही और गुड़, दूध और गुड़ नहीं, दही और गुड़। उस दही और गुड़ के प्रयोग के कारण से उनके अंदर बलगम बन गया, और फिर जाकर के उनकी प्रतिभा जो है, बुद्धि जो है, अंडर कंट्रोल आ गई। आपको पता होगा कि जिस समय आपको नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो माथा कैसा हो जाता है, हेवी हो जाता है, वो कब के कारण से। तो वो जो अंदर के अपने छोटे छोटे अवरोध है, वहां का ये सारा निकालना है। दो शब्द चलते हैं, एक मूढ़ता होती है, एक मूर्खता होती है। मूढ़ता कहते हैं समझ जानता है लेकिन समझता नहीं अपनी समस्या। अपन जानते हैं लेकिन समझते कि समझे तो चेंज होता है, जानने से आदमी चेंज नहीं होता, लेकिन समझ गया, अंडरस्टैंड हो गया, तो उसको चेंज होने का कोई उपाय नहीं बचता है। नहीं जानना यह मूर्खता है, और नहीं समझना यह मूढ़ता है। सभी को पता है कि मरना है, सभी को पता है, लेकिन मृत्यु को समझने के लिए हम तैयार नहीं। हम प्रयास क्या करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। और सबको यह जानकारी है कि मरना तो पक्का है, लेकिन मौत को जानते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे। और जो समझ गया वो गलती नहीं कर पाता है, और जो नहीं समझा जानता है केवल हाँ मरना है मुझे। हम सभी जानते हैं, समझते नहीं, मौत को समझ पाते नहीं। और ये समझने का सूत्र जहां से शुरू होता है उसके लिए खेल संचालिय में, उसके लिए खेल संचालिय में, कि जैसे जैसे वो संचालन सूक्ष्म होता जाएगा और वहां पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे काय सर्ग में वात, पीत और कफ कितने
वात, पीत और कफ, ये तीनों जैसे तन के वैसे मन के भी है। मन में जब वात का प्रकोप हो जाता था, मन बिखरते चले जाता है। पित्त होता है तो फिर मन टिकता नहीं, गर्मी आ जाती है, कफ हुआ कि जड़ता आ जाती है। वैसे तन की भी है, तन और मन कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो वहां का अपने को प्रयोग शुरू करना है खेल संचालियम का। और खेल संचालियम का प्रयोग, जैसे ये प्रयोग, यहाँ का स्पंदन अपने देखना है, बैठना कौन सी मुद्रा में, इसी मुद्रा में बैठना है। और इसी मुद्रा में बैठते हुए अगला खेल संचालियम का प्रयोग शुरू करते हुए उसकी पहली स्टेप आपने लेनी है कि हल्का सा मुंह खोलना है, हल्का सा मुंह खोलना, और मुंह खोल करके उसको बंद करने की प्रोसेस में जाते हुए केवल ओट को ओट टच करेंगे, दांत को दांत टच नहीं करेंगे। ओट से मुंह लॉक हो जाएगा लेकिन दांत ऊपर की और नीचे के जो है वो कैसे रहेंगे, अलग रहेंगे, टच नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे से अंदर से अपने टंग को उठाना, जुबान को उठाना है, जुबान नीचे पड़ी हुई रहती ना अपनी, उसको वहां से उठाना है जीभ को, और जीभ को उठा करके बिल्कुल बीच में अनटच रख लेना उसको, ना ऊपर टच करे, ना दाएं टच करे, ना बाएं टच करे, ना नीचे टच करे, बिल्कुल उसको अनटच, अधांतरित लटकती हुई रख देना है। और जैसे आप उसको ऐसे रखोगे तो वहां के स्पंदन महसूस होने शुरू हो जाएंगे, आपको टंग पर के स्पंदन महसूस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो टंग के स्पंदन महसूस होते हैं, जुबान के महसूस होते हैं, वैसे वैसे उन स्पंदन के तरफ ध्यान देना है। वो स्पंदन धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आपका उधर अटेंशन जाएगा वैसे वैसे वो आराम से कंठ तक पहुंचेंगे, कंठ से लंग तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।